नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल में सरुण प्रयासी सर के साथ। आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ वो परसेंटेज से संबंधित वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि परसेंटेज आप जानते हैं कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में आप जाते हैं तो परसेंटेज का एक बड़ा स्कोप रहता है। और परसेंटेज का जो क्वेश्चन आते हैं वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते भी हैं और उसमें समस्याएँ जो होती हैं आप उन्हें मैं मतलब यहाँ पर जो बताऊँगा उसके उससे जो है आप इसे अपना समझ सकते हैं, मतलब जितनी भी प्रॉब्लम है उसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो देखिए, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, ये मैं एक संख्या लिख रहा हूं 10×10 का खेल बताने जा रहा हूं। खेल, मैंने खेल शब्द इसलिए प्रयोग किया क्योंकि यहां पर जो है इसका बहुत ही शॉर्ट यूज होने वाला है। देखिए 10×10 बराबर कितना होता है, 100 होता है, आप जानते हैं। देखिए मैं यहां पर एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जैसे आप परसेंटेज निकालते हैं तो देखिए 10% कितना होता है, 1 होता है। 10%, 20% कितना होता है, 2 होता है। इसी तरीके से 10%, 30% होता, 3 होता है। 10%, 40% 4 होता है। 10%, 50% 5 होता है। 60% 6 होता है। 70% 7 होता है। 80% यानी 90% 9 होता है। और 100% 10 होता है। अब केवल इतना आपको याद रखना है। अब देखिए, मैं यहां से कुछ क्वेश्चन आपको लगवाने वाला हूं। देखिए पहला क्वेश्चन, जब भी आपका कोई क्वेश्चन ऐसा आता है, जैसे एक संख्या में 10% वृद्धि करने पर तथा दूसरी संख्या में 20% कमी करने पर उसके गुणनफल में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होगी। देखिए अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट देखिए, यहां पर क्या है कि एक संख्या है और एक दूसरी संख्या है और उनका हो रहा है गुणन, और गुणन होकर के बन रहा है गुणनफल बन रहा है। तो देखिए, मान लिया जाए कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो मैं अभी आपको क्वेश्चन लगवाने वाला हूं, एक एक क्वेश्चन केवल मैं इससे लगवाऊंगा 10×10 बराबर। देखिए एक संख्या 10 है, दूसरी संख्या 10 है, तो गुणनफल कितना हो गया, 100। मान लिया, कह रहा है कि एक संख्या में 10% वृद्धि करने पर, तो 10% कितना होता है आप जानते हो, उधर देख रहे होंगे 1 होता है। वृद्धि कर देने के लिए कितना हो जाएगा, 11 मिल जाएगा। अब इसमें 20% कमी कर रहा है, तो 10×20% आप जानते कितना होता है, 2 होता है। 10×20% 2 होता है, 2 माइनस करेंगे तो 10 से कमी करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो ये हो गया 88। अब आप यहां से देखेंगे कितना माइनस हो रहा है, 12, यानी कि यहां पर जो कमी होगी वो कितनी कमी होगी, 12% की कमी होने वाली है। अब देखिए, इसी टाइप से जितने भी क्वेश्चन है मैं बताने वाला हूं, गुणनफल पे आधारित जितने भी क्वेश्चन है वो लगाएंगे इससे। देखिए, तो देखिए 10%, 10% बढ़ाना था, 10% वृद्धि करनी थी, 11 कर दिया, 20% कमी करनी थी, 10×20% 2 होता है, उसमें से घटा दिया तो 11×88। अब हमने 100 से तुलना कर दिया, 100 से 88 88 रह गया, कितना कम हो गया, 12 कम हो गया। इसका मतलब इसमें गुणनफल में कितनी कमी आ गई, 12% की कमी आ गई। अब देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन, देखिए एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि तथा चौड़ाई में 30% कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होगी। अब देखिए, आप जानते हैं कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे
चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल। तो अब देखिए फिर वही कंडीशन बन गई, यदि मान लीजिए उसकी लंबाई 10 है चौड़ाई 10 है तो क्षेत्रफल कितना हो गया 100 हो गया। लंबाई में उसने 20% वृद्धि कर दी, मान लीजिए 10 का 10 का 20% 2 होता है, इसमें अगर हमने जोड़ दिया तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब ये देखिए यहां पर जो 12 हो गया है तो अब ये यहां पर क्या करना है हमको 30% कमी कर देना है, इसको 30% कमी कर दिया कितना हो गया 12×7=84, ये क्षेत्रफल पहले कितना था 100 था, अब कितना बचा 84, यहां पर इसका मतलब कमी हो गई और यहां पर कितनी कमी हो गई 16% की हो गई कमी, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब देखिए इसी टाइप से अगला क्वेश्चन, देखिए किसी वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि करने पर तथा खपत में 10% कमी करने पर मासिक खर्च में कितना प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होगी। तो देखिए अब आप फिर देखिए, मान लीजिए किसी चीज का मूल्य होता है, किसी चीज का मूल्य है मान लीजिए चीनी का मूल्य लीजिए आप 40 रुपए, और उसमें आप 10 किलो की खपत करते हैं, कितने की खपत करते हैं 10 किलो की खपत करते हैं, तो आपका खर्च कितना होता है 400 रुपए हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप मूल्य में अगर खपत का गुणा कर देंगे तो आपका जो मासिक खर्च होता है कुल खर्च होता है वो निकलता। अब देखिए मान लीजिए कोई चीज का मूल्य 10 रुपए है और उसकी खपत 10 किलो है तो खर्च कितना होगा 100, उसके मूल्य में 20% वृद्धि हो गई। तो देखिए यहाँ पर मूल्य 10 रुपए, 10×20% 2 होता है, 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, मूल्य हो गया 12 रुपए, और खर्च में कितनी कमी कर दी 10%, यानी खर्च कितना रह गया 9, यानी 10×10% 1 होता है, 1 माइनस कर दिया कितना हो गया 9। अब देखिए 12×108, यहाँ से तुलना करेंगे इसका मतलब उसके मासिक खर्च में जो हो गया है वो क्या हुई है वृद्धि हुई, और कितनी हुई है 8% हुई। चलिए अब देखिए इसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, देखिए एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया तथा बाद में उसे 10% कम किया गया इस प्रकार उसमें कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि हुई। तो फिर देखिए कोई संख्या है 10 है बराबर 100, देखिए अब 10×10=100, तो इसमें पहले क्या किया गया 20% बढ़ाया गया, 20% बढ़ा दिया कितना हो गया 12, अब इसमें जो है आपका फिर उसे 10% कम कर दिया गया, 10×10% 1 होता है, माइनस कर दिया कितना हो गया 9, 12×108, 100 की 8 हो गई, इसका मतलब वो संख्या में कितनी वृद्धि हो गई 8% की वृद्धि हो गई। तो देखिए आप चार क्वेश्चन यानी कि जो भी गुणनफल के पर आधारित है, दो संख्याओं का गुणा हो रहा है और गुणनफल पे आधारित है, जैसे किसी आयत की लंबाई चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, एक संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर जो है गुणनफल, या मूल्य और गुणे खपत बराबर कुल खर्च, या किसी संख्या को बढ़ाया जाता है फिर घटाया जाता है तो उसमें कितने परसेंट कमी वृद्धि होती है, तो इस चारों के क्वेश्चन जो है वो आप 10×10=100 से हल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके आगे भी देखिए क्वेश्चन, मान लिया जाए आपसे कहा जाए कि एक बेलन की त्रिज्या में 10% वृद्धि करने पर
पर उसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो देखिए बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है, अब मेंसुरेशन में जब जाएंगे तो इस चीज को भी पढ़ेंगे, और मैं मेंसुरेशन में जाऊंगा तब इस चीज को पढ़ा भी दूंगा। तो देखिए बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहां पर वृद्धि किसमें की गई है, वृद्धि की गई त्रिज्या, त्रिज्या कहां पर रखी है यहां। अब देखिए त्रिज्या किस रूप में रखी है, आर स्क्वायर के रूप में रखी है। ध्यान रखना है जो भी चीज स्क्वायर के रूप में है, 10 × 10 = 100 से हम तुरंत सॉल्व करेंगे। देखिए ये आर स्क्वायर क्यों है, मान लीजिए आर गुणे आर बराबर तभी तो आर स्क्वायर है। तो देखिए मान लीजिए त्रिज्या 10 × 10 = 100 थी, और इसमें 10% वृद्धि कर दी गई तो ये हो गई 11, और चूंकि ये भी होगी 11 तो ये बराबर कितनी हो गई 121। तुलना करेंगे तो यहां पर देखिए कितनी वृद्धि हो गई, सॉरी यहां पर वृद्धि हो गई है वो हो गई 21%। तो देखिए ये क्वेश्चन है, मतलब आपको ये देखना है कि जिस चीज में कमी अथवा वृद्धि की जा रही है तो वो किस रूप में रखी, अगर वो वर्ग के रूप में रखी है तो आपका क्वेश्चन जो है 10 × 10 = 100 से हल होने वाला है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक वर्ग की भुजा को 10% कम करने पर उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत कमी होगी। अब आप जानते हैं जो वर्ग होता है, वर्ग की भुजा का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए भुजा गुणे भुजा बराबर भुजा वर्ग होता है। तो देखिए 10 × 10 = 100 कितना कम की जा रही है, 10%। 10% 10 का 10% 1 होता है, तो माइनस करते हैं कितना हो जाएगा 9, तो यहां पर भी 9 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया आपका 9 × 81, इसका मतलब 100 से 81 19%। इसका मतलब इसके जो है क्षेत्रफल में कितनी कमी आ गई, 19% की कमी आ गई। चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, अगर मान लीजिए आपसे ये ऐसे कहते हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या को 30% बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। तो फिर आप देख लीजिए जो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखिए आर में परिवर्तन कर रहा है, वर्ग के रूप में रखिए, वर्ग के रूप में रखिए मतलब 10 × 10 = 100। वैसे भी आप जान लीजिए यहां पर वर्ग होना है, तो अब देखिए हमने 30% बढ़ा दिया, 30% मतलब 13 कर दिया है, तो 13 × 13 = 169। तुलना कर लीजिए कितना बढ़ गया, 69%। इसका मतलब उसके क्षेत्रफल में कितनी परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 69%। अब देख लीजिए ये आप समझ रहे होंगे, भले ही आपको आयतन में से पूछ लिए अगर, लेकिन वहां पर जो जिस चीज में परिवर्तन किया जा रहा है वो चीज जो है वर्ग के रूप में रखी होनी चाहिए। अब थोड़ा सा 5 मिनट का ये कॉन्सेप्ट और देख लीजिए, देखिए एक संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर गुणनफल। अब देखिए अभी तक मैं आपको क्वेश्चन जो देता था, अब यहां पर केवल क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, यहां पर क्वेश्चन जो देता था वो ये कहता था एक संख्या में इतनी कमी या वृद्धि कर देता था, दूसरी संख्या में इतनी कमी वृद्धि कर देता था, तो फाइनली पूछता था कि गुणनफल में जो है कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, यानी कितना प्रतिशत कम या ज्यादा होगा। लेकिन अब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है, यहां से दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहां कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस संख्या में कमी अथवा वृद्धि कर दी जाएगी, तो इसमें कमी वृद्धि पूछी जाएगी ताकि इस गुणनफल में कोई भी परिवर्तन ना हो। मान लीजिए एक संख्या में कमी कर दी गई, तो ऐसे पूछेगा एक संख्या में, देखिए ऐसे क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन समझ लीजिए, एक संख्या में 10% वृद्धि करने पर
दूसरी संख्या में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि गुणनफल अपरिवर्तित रहे, यानी कि बदले नहीं अपरिवर्तित रहे। देख लीजिएगा थोड़ा सा, देखिए अपरिवर्तित रहे। तो अब यहां करना क्या है, यहां पर इसके लिए आपको केवल दो फॉर्मूले यूज करने हैं। अगर यदि वृद्धि डी हो तो आर बटे 100 प्लस आर गुणे 100, यदि कमी डी हो तो आर बटे 100 माइनस आर गुणे 100। दो फार्मूले हमारे पास। तो देखिए यहां पर एक संख्या में 10% वृद्धि करने पर क्या दिया गया है, वृद्धि करने पर, तो इसका मतलब वृद्धि वाला फार्मूला लगेगा कौन सा, आर बटे 100 प्लस आर गुणे 100। तो देख लीजिए वृद्धि कितने के लिए 10, तो आर का मतलब हो गया 10 और 100 प्लस 10 यानी कि 110 और गुणे 100, तो देखिए 0 से 0 कट गया, तो ये हो गया 100 बटे 11, यानी कि 100 में जब आप 11 का भाग देंगे तो ये आएगा 99, यानी कि 9 सही 1/11% की यहां पर क्या होने वाली है, मतलब क्या करना होगा हमें, कमी करनी होगी ताकि गुणनफल जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। अगर यहीं पर अगर कमी दी गई होती तो हम यहां पर क्या करते, माइनस कर देते। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन हो सकता है, जैसे एक आयत की लंबाई में इतने प्रतिशत वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत वृद्धि कमी की जाए कि उसका क्षेत्रफल जो है वो अपरिवर्तित रहे। तो हमको ये देखना है कि उसकी लंबाई में उसने वृद्धि दी है या कमी दी है। अगर वृद्धि दी है तो हम इस फार्मूले को लगा लेंगे तो कमी निकल आएगी, और अगर कमी दी गई है तो हम इसको लगा लेंगे और वृद्धि निकल आएगी। इसी तरीके से अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये आता है कि एक कोई गृहिणी जो है किसी वस्तु के मूल्य में इतने प्रतिशत वृद्धि होने पर अपनी खपत को कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसका मासिक खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। चलिए मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, ये क्वेश्चन अक्सर आता रहता है, ज्यादा आता है, इसलिए मैं इसको नोट करा देता हूँ प्लीज। देखिए चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होने पर कोई गृहिणी खपत कितना प्रतिशत कम करे कि मासिक खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, देखिए यहां पर कितनी वृद्धि हो रही है, दिया क्या गया है वृद्धि होने पर, वृद्धि वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आर बराबर कितना हो गया 25, 100 प्लस 25 125 गुणे 100, 5 से 25 पंजे 125 20, इसका मतलब 20%, उसको खपत में कितने परसेंट कमी करनी होगी, 20% की कमी करनी होगी। इसी तरीके से क्वेश्चन आपका आयत से संबंधित हो सकता है, गुणनफल से संबंधित हो सकता है, या इस टाइप से हो सकता है कि यदि इसकी लंबाई इससे इतनी परसेंट अधिक है तो मान लीजिए जैसे राम की लंबाई जो है वो गोपाल से 25% अधिक है तो गोपाल की लंबाई राम से कितने प्रतिशत कम होगी। सेम क्वेश्चन है कि अगर ये इतनी अधिक है तो दूसरी चीज कितनी कम होगी, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लगा सकते हैं। यानी कि इससे तो कई क्वेश्चन आप 10×10=100 से हल कर सकते हैं। इसके आगे का पैटर्न जो है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, इसको आप जो है देखें और इसका पूरा लाभ उठाएं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप शुरू से पूरा आखिर तक देखें ताकि जो है इसका पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ सकें, और इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आगे की चीज़ें बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।